जयवीम साथियों, आज 17 जनवरी, जी आज ही के दिन सन 2016 में हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश के अंबेडकराइट, बाबा साहेब अंबेडकर के मानने वाले लोगों की रूह को झकझोर के रख दिया। जी हां साथियों, वो घटना जो विवाद शुरू हुआ एबीवीपी और आशा के बीच, तेलंगाना में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग, जो पीएचडी छात्र थे, जिनमें से एक छात्र था रोहित वेमुला, जो पढ़ लिख के लेखक बनना चाहता था, जो बाबा साहेब अंबेडकर की मूवमेंट पे चलने वाला व्यक्ति था, जो जय भीम के नारे को पूरी विश्वविद्यालय के अंदर, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे जोरों शोरों से लगाता था। विवाद यहां से शुरू हुआ कि वो आशा जिस संगठन में रोहित वेमुला थे और एबीवीपी के बीच विवाद से ये कहानी शुरू हुई। उस विवाद के बीच एबीवीपी के एक शख्स ने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसका पूरा इल्जाम आशा के लोगों के ऊपर डाला, जिसमें रोहित वेमुला भी शामिल थे, कि इन लोगों ने मेरी मार पिटाई करी इसलिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं। और उसके बाद तेलंगाना जो हैदराबाद में विश्वविद्यालय है, वहां से रोहित वेमुला को और उनके साथ उनके 5 साथियों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। हालांकि बाद में यह बात साबित हुई कि उसको कहीं भी कोई चोट नहीं थी, कोई खरोच नहीं थी, ये न्यूज फेक थी। और जब इसके लिए रोहित वेमुला और उनके 5 साथी और तमाम लोग जो आंदोलनरत थे, वो जो आंदोलन कर रहे थे अपनी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसी बीच 17 जनवरी 2016 को एक ऐसी घटना ने अंजाम लिया। रोहित वेमुला की मनुवादी व्यवस्था और मनुवादी मानसिकता के चलते वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी, उनकी हत्या करी गई। और आज के दिन रोहित वेमुला ने सुसाइड किया। रोहित वेमुला की जो आखिरी चिट्ठी थी, जो सुसाइड नोट था, वो बहुत सारे दर्द को बयां करता। आप सभी लोग वो सुसाइड नोट हिंदी में पढ़िएगा, हिंदी में उस दर्द को पढ़िएगा कि आज भी समझने के लिए जो भी सामाजिक व्यक्ति होगा, उसको समझने के लिए जिसके अंदर दिल होगा, समझने के लिए वो सुसाइड नोट बहुत दर्द भरा है, बहुत ज्यादा दर्द भरा। तो आज रोहित वेमुला की शहादत दिवस पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन, वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहें। और आज रोहित वेमुला के शहादत दिन पर हम लोग ये शपथ लेते हैं, कोई ले ना ले, मैं तो लेता हूं, कि इस जातिवादी व्यवस्था के तहत, जो जातिवादी व्यवस्था के तहत हमारे जितने लोग मारे गए, जितने लोग इसकी बलि चढ़े और आज भी इतने लोगों के साथ शोषण हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम लोग आखिरी सांस तक रहेंगे। हमने रोहित वेमुला महज एक शख्स नहीं खोया, हमने एक ऐसा क्रांतिकारी लेखक खोया है जो आने वाले समाज में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखता, जो पीएचडी होल्डर था, वो समाज में एक मोटिवेशन बन के उभरता, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहा। बहुत दर्द भरा एक किस्सा है। रोहित वेमुला की माँ के ऊपर क्या बीती होगी जिसने जवान बच्चा खोया जातिवादी व्यवस्था के चलते। उम्मीद है कि आज भी जो नौजवान घरों में है, वो नौजवान अपने इतिहास को जानेंगे, पहचानेंगे कि बाबा साहेब अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कितने लोग त्यार, समर्पण और बलिदान दे रहे हैं। उस दर्द को कभी आप समझिए, महसूस कीजिए कि रोहित वेमुला ने कितने दर्द के साथ वो आखिरी सुसाइड नोट, वो चिट्ठी लिखी। आप पढ़िएगा जरूर उस दर्द को, आप बयां करिए, देखिएगा लोगों के बीच बयां करके उसको समझाइएगा लोगों को कि क्या दर्द था रोहित वेमुला का। एक बार फिर से उनके शहादत दिन पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन, वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहे। बहुत सारे आंदोलनकारी आज रोहित वेमुला अपनी शहादत के बाद इस देश में पैदा करके चले गए।